वेलकम टू माई चैनल एंड मेरी सब लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। एंड ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, मैं ऐसे ही आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा ट्रैवल की और इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियो होंगी। लाइक मेरी आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू जस्ट अराइव इन कैनेडा। सो गाइज माई फर्स्ट स्टेप इज GIC, सो लेट्स स्टार्ट विद GIC। मेरा जो एक्सपीरियंस था GIC के लिए वो थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी बट मतलब टाइम के साथ वो चीज़ सही हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वो चीज़ शेयर करूँ आपके साथ। लाइक पहले क्या होता है GIC के लिए अपने को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लाइक आपकी जो भी नियर बाई जो ब्रांच है उसके गूगल मैप से नंबर लो और फिर उन्हें कॉल करो एंड आस्क देम अबाउट अपॉइंटमेंट लाइक फॉर वी आर लाइक टू एक्टिवेट अवर GIC अकाउंट। सो मेरा ऐसा प्रोसेस हुआ, उन लोगों ने मुझे नेक्स्ट डे 3 PM का अपॉइंटमेंट दिया विद अ लेडी सैंड्रा। सो एक्चुअली वी हैव टू ब्रिंग सम डॉक्यूमेंट्स लाइक स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म, आवर पासपोर्ट, आवर स्टडी परमिट एंड GIC रिसिप्ट, ऑल दिस थिंग्स वी ऑल वॉन्ट टू विद अस। सो गाइज लाइक द वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड इज सिन नंबर, दैट इज सोशल इंश्योरेंस नंबर। सो मेरा जब बैंक का अपॉइंटमेंट था तब मुझे सिन नंबर नहीं मिले थे एंड क्योंकि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। सो दे जस्ट आस्क्ड मी दैट शो योर सिन नंबर, सो आई टोल्ड देम बिकॉज ऑफ द कोविड I am not able to get my SIN number directly. So just before 2-3 days, I submitted an online application for SIN. So मैंने वो application show की थी SIN number की जगह, okay? हाँ तो guys, मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि like मैं जब गया था ना तो मेरे पास Canadian SIM नहीं थी, so I don't have an internet connection. So मैं student enrollment form मेरे फ़ोन में ले गया था एज़ ए मतलब फ़ोन प्रिंट, लाइक मेरे पास प्रिंट नहीं था उसका। सो दे आस्क मी दैट शो सम प्रिंट, वी डोंट लाइक क्या, तो हमें प्रिंट दिखाओ या फिर हमें मेल करो। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपना वाईफाई बता दो अगर वाईफाई है बैंक में, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। फिर मैंने उस लेडी से पूछा कि जो तुम्हारा फ़ोन है उसका हॉटस्पॉट दे दो, तो हाँ भाई वो फिट गई थी उस बात से कि इट्स माई पर्सनल एंड हाउ यू कैन आस्क मी अबाउट दिस एंड ब्ला 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 ब्ला। तो फिर भाई क्या हुआ कि मैंने उसको कहा जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। उसके बाद बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था ना वो बंदा अपना इंडिया का था, उस बंदे से मैंने पूछा एंड ही हेल्प्स मी लॉट। थैंक यू दिव्यांग भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच टू हेल्प मी आउट। सो उन्होंने मेरे को हॉटस्पॉट दिया और मैंने जो मतलब मुझे स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म इसलिए दिखाना था, वी टेक देम एज ए एड्रेस प्रूफ। सो उस पर क्या मेरा जो न्यू अपडेटेड एड्रेस था ना वो लिखा हुआ था, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत होती है। और सिन नंबर ही जो मैंने सिन अप्लीकेशन शो कर दी थी, वो सब मेरे बाद में इतना इजी हो गया था। मैंने उनको मेल किया, फिर उन्होंने मेरे को 2 मिनट के अंदर 2 या 5 मिनट का प्रोसेस था, कुछ भी नहीं। उस लेडी ने मेरे से पूछा पासवर्ड वगैरह, जो भी मेरे को पासवर्ड रखने थे ऑनलाइन वेबसाइट के लिए। तो GIC का मेरा 5 मिनट में हो गया था, बट ये थोड़ा स्टार्ट में मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, मुझे उसे फाइल्स मेल करनी थी। तो गाइज अगर आप लोग जाओ तो प्लीज़ पहले अपने जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म, पासपोर्ट, योर स्टडी परमिट एंड सिन नंबर अप्लीकेशन और इफ़ यू हैव सिन नंबर, ये अपने साथ लेके जाना एज ए प्रिंट। सो नाउ गाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच यू नीड इफ़ यू जस्ट अराइव इन कैनेडा, दैट इज़ सोशल इंश्योरेंस नंबर SIN। सो उसके लिए क्या है, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, बहुत से लोग कैनेडा सर्विस ऑफिस से भी इशू करवा रहे हैं। मैंने जहाँ तक सुना है मोस्ट ऑफ जो ऑफिस हैं सर्विस ऑफिस वो बंद हैं, तो आप जस्ट अपना पास का जो एरिया है वहाँ ट्राई कर लेना, अगर वो खुले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेना। आपको जस्ट 8 वर्किंग डेज में सिन नंबर घर पे मिल जाएगा, मेरे को मिल गया था। मैंने 4 को अप्लाई किया था 4th of September को, और मेरे को 9th of September को मेरे सिन नंबर घर पे मिल गया था। सो उसके लिए जो लिंक है अप्लाई करने के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर रहा हूँ, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं स्टडी परमिट, योर पासपोर्ट एंड योर स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म विच वी यूज एज ए एड्रेस प्रूफ, जो आपका नया कैनेडा का एड्रेस है। सो सिन के लिए इतना ही है, मतलब कोई वो नहीं है, आप स्टूडेंट पोर्टल में जाकर अपना एड्रेस पुट कर देना जो आपका नया एड्रेस है, और उसके बेसिस पे आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा, और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सिन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड दैट जो भी बंदे अब आने वाले हैं, जिनका अभी प्लान है आने का, तो मैं उन्हें बता दूँ अगर वो आ रहे हैं तो हमारे जो कॉलेज है आई एम इन कॉनेस्ट होगा, सो दे जस्ट प्रोवाइड डेली चेक इन फॉर्म फॉर अ क्वारंटीन, तो वो बहुत ही जरूरी है। उस फॉर्म को रोज आप हमारे मतलब आपको मत सिखा, तो वो चीज़ ज़रूरी है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से यू दैट
लाइक मेरा वन कार्ड है वो मुझे मिल चुका है, लाइक कल ही आ गया था मेरे घर पे, जो मेरा एड्रेस है वहाँ कल ही, मतलब कॉलेज वालों ने खुद ही मेल कर दिया। जिन लोगों का नहीं आया है वो कॉलेज को मेल कर सकते हैं। ऑल अबाउट टुडेस वीडियो एंड गाइस, लास्ट में मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी लोग आने वाले हैं अभी मैं उनको पहले ही बता देता हूँ गाइस, मास्क इंडिया से जितने लास्ट को ले आना, क्योंकि यहाँ अपने जो लाइक जो नॉर्मल मास्क है ना, 3 लेयर मास्क आता है जो अपन वन टाइम यूज़ करते हैं, वो भी $1 का है और इंडिया में इतना महंगा नहीं है, वो शायद 5 रुपये का आता है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ इंडिया से ले आना, मतलब पैकेट ले आना, उसमें 50-60 मास्क आते हैं तो वो काम आएगा। रुको जरा, सबर करो। जो थी बैंक वो था स्कोशिया बैंक था। सो किसी को अगर ICIC बैंक है तो उसके लिए अगर किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ टेक्स्ट मी ऑन इंस्टा एंड कमेंट में, कोई जो भी पूछना चाहता है वो कमेंट में भी पूछ सकता है। सो गाइस, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है लाइक इमिग्रेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी यहाँ क्वारंटीन प्लान से रिलेटेड जो भी है, प्लीज़ गाइस कमेंट में पूछो मेरे को, और इंस्टाग्राम पे भी तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी तो मैं रिप्लाई करूँगा। और तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ गाइस डू शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।